नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। बोर्ड परीक्षा की तैयारियां हुई पूर्ण, उड़न दस्ता सहित अन्य निरीक्षण दलों की निगरानी में होंगी परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक सहित केंद्र प्रभारी भी नहीं कर सकेंगे मोबाइल का उपयोग। जी हाँ, कुरवाई मंडल की हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं क्रमशः 2 व 3 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कमल सिंह बागड़ी ने बताया कि मंडल परीक्षा हेतु विकासखंड अंतर्गत 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष हाई स्कूल बरवाई को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। एक परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पठारी संवेदनशील तथा एक परीक्षा केंद्र उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरवाई अति संवेदनशील की श्रेणी में मंडल द्वारा रखा गया है। इन केंद्रों पर परीक्षक नियुक्त किए गए हैं तथा मुख्य विषयों की परीक्षा में 1-4 का गार्ड भी तैनात किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र प्रभारी के साथ साथ सहायक केंद्र प्रभारी की नियुक्ति भी की गई है। मंडल द्वारा गोपनीय सामग्री के साथ साथ सभी प्रकार की परीक्षा सामग्री का वितरण किया जा चुका है। सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। विकासखंड कुरवाई अंतर्गत मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा हेतु विकासखंड में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक परीक्षा केंद्र पठारी हायर सेकेंडरी स्कूल पठारी जो है संवेदनशील है और उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरवाई अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, जहाँ पर स्वाध्याय परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएँ जुटा ली गई हैं। मंडल से समस्त परीक्षा की सामग्री प्राप्त हो गई है। गोपनीय सामग्री को थानों में सुरक्षित रखा गया है और इस परीक्षा हेतु सभी केंद्रों पर केंद्र अध्यक्ष के साथ साथ सहायक केंद्र अध्यक्ष और 189 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। सभी केंद्रों पे लिपिक के रूप में कार्य करने वाले उपभक्त वगैरह भी रहेंगे और उड़न दस्ते गठित किए गए हैं विकासखंड स्तरीय है और अन्य निरीक्षण दल भी जो है गठित किए गए होंगे। परीक्षा शांतिपूर्ण, निर्विघ्न और निष्पक्ष संपन्न हो, इसके पूरे इंतजाम किए गए होंगे। नकल की सख्ती से रोक लगाई जाएगी।